वेलकम वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। आज मैं हरी मूंग की दाल की खुशबूदार रेसिपी लेके आई हूँ, तो आप इसे बनाइएगा। बहुत अच्छी बनती है ये दाल और बहुत स्वादिष्ट होती है। और कुछ भी नहीं डाला है इसमें, सिर्फ लहसुन है, अदरक है, हरी मिर्च है। आप इसे बनाइएगा ज़रूर। बहुत हेल्दी होती है ये दाल, बहुत ही अच्छी, बहुत ही खुशबूदार है और अलग तरीके से बनाई गई है। आप पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा, देखिएगा कि ये स्वादिष्ट दाल जो है मैंने कैसे बनाई है। देखें, बहुत बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप ही बनाइएगा और स्वाद भी इसका ऐसा ही होगा जैसे इसकी खुशबू है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दाल को पहले साफ़ करके फिर उसे कुकर में डालना है, फिर उसके लेवल का पानी डालना है। जितनी की आपको तरी चाहिए उतना ही पानी डालना है। और फिर उसमें हल्दी डाल दीजिए एक चम्मच और नमक डाल दीजिए अपने स्वाद के अनुसार। जब तक हमारी दाल फ्लेम के ऊपर है तब तक हम बाकी मसालों की तैयारी कर लेंगे, जैसे कि ये मैंने कहा था अदरक लहसुन और हरी मिर्च और टमाटर। तो अदरक लहसुन और हरी मिर्च को इकट्ठा ही हम कूट लेंगे और टमाटर को हम कद्दूकस कर लेंगे। फिर पैन में गरम तेल जब हो जाएगा, कोई भी कुकिंग ऑयल जो आप यूज़ करते हो वही यूज़ कीजिएगा। तो फिर सबसे पहले तेल गरम होने पर हम वही अदरक लहसुन का जो बनाया था हमने पेस्ट वो डालेंगे। और ये अदरक लहसुन डालते ही इतनी अच्छी खुशबू आने लगती है ना कि कोई बयान के बाहर ही होती है वो खुशबू। बहुत अच्छी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। तो इतनी सर्दी है, इतनी ठंड में ये अगर आप लहसुन का अदरक का तड़का खाएंगे लगा के किसी भी दाल को या सब्ज़ी को, तो ये बहुत बहुत हेल्दी होगा। ज़ुकाम खांसी भी नहीं आएगी, जोड़ों में भी दर्द नहीं होगी। तो इसमें फिर से थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए जब ये लहसुन अदरक जो है वो थोड़ा सा कच्चापन छोड़ दें अपना। फिर लाल कश्मीरी मिर्च डालते हैं साथ में। लाल कश्मीरी मिर्च जो होती है तो उसका तीखापन नहीं होता है, कलर होता है बहुत अच्छा, कलर के लिए ये डाली जाती है। तो ये आप डाल सकते हैं। उसके बाद ये ग्रेट किए हुए जो टमाटर थे ये आप डाल लीजिए। ओहो, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। आप जब ये दाल बनाएंगे, ये तड़का बनाएंगे, तभी ये जो खुशबू है आपको पता चलेगी। तो मैं कैसे बताऊँ आपको, यहाँ पे तो फ़ोन पे तो ऑप्शन ही नहीं है ना खुशबू का, इसलिए आपको नहीं आ रही होगी। लेकिन बहुत बहुत अच्छी खुशबू, इस खुशबू से ही भूख जो है वो अगर थोड़ी लगी है तो ज़्यादा लग जाएगी। फटाफट से खुशबू को सूंघ के और आपका मन करेगा कि अभी इसी वक्त ये दाल हमें मिल जाए खाने को। बहुत बहुत अच्छा तड़का बना है, खुशबूदार। और बस इसमें अब कुछ नहीं करना है, हमें अच्छे से जो टमाटर हैं उनको पका लेना है और इसके बाद हमने दाल डाल देनी है। दाल डालने के बाद अगर आपके पास धनिया हो तो वो डाल दीजिए ऊपर से, या फिर सूखी मेथी डाल दें। तो ये देखें, दाल बहुत 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 स्वादिष्ट उबल चुकी है वहाँ पे। अब हम इसमें टमाटर जो है वो गल चुके हैं हमारे, अच्छे से पक चुके हैं। तो ये देखें, अब दाल डाल दी है तो इतनी अच्छी खुशबू, बहुत बहुत अच्छी खुशबू। मैं तो कहूँगी ये खुशबूदार दाल है, आप ज़रूर बनाइएगा। वो इतना अच्छा टेस्ट होता है लहसुन और अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट का कि बाकी सारे जो तड़के हैं ना इसके आगे फेल हो जाते हैं। एक बार आप मेरे कहने पे ये दाल ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छे तरीके से बनती है ये वाली दाल। मोस्टली इसको लोग कम खाते हैं लेकिन इस तड़के के बाद सारे खाने लगेंगे। तो मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, मेरी दाल की रेसिपी, खुशबूदार रेसिपी, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के साथ कीजिएगा और
ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली कोई भी यूनिक सी रेसिपी और खुशबूदार रेसिपी आप तक पहुंच सके और आप उसको वॉच कर सकें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाएगी कोई भी मेरी, तो ऐसा कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि बाकी सभी भी इस दाल का लाभ उठा सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।